हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही टेस्टी आलू पफ पेटीज रेसिपी, जिसे हम बिना बेकिंग करे बनाकर तैयार कर लेंगे और 10 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कॉमेंट करके बताना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे, तो यहाँ पर हम 2.5 कप मैदा ले रहे हैं, आप 1.5 कप भी ले सकते हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालना है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मोइन डालेंगे, तो यहाँ पर हमने 1/3 कप ऑयल लिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे जब तक ये बिल्कुल लड्डू जैसे ना बनने लगे। आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल ही करें, बटर का ना करें। तो ये देखिए, ये बाइंड हो रहा है। अब नॉर्मल पानी से हम एक सख्त आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है हमें। ये देखिए, बहुत ही सेमी सॉफ्ट हमारा डो लगकर तैयार हो गया है। अब ऑयल लगाकर हम इसे रख देंगे साइड में और हम बना लेंगे हमारी स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है 1 टेबल स्पून। गर्म होने देते हैं इसे। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया, तो 1/2 टीस्पून हमने जीरा डाल दिया, 1 कटी हुई मिर्च डाल दी हमने, 1 कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है। आप स्टफिंग में अपनी मनचाही सब्जियां डाल सकते हैं। तो प्याज हमारी हल्की सी भून गई है, देखिए। अब इसमें 1 कटा हुआ शिमला मिर्च डाल दिया हमने, कुछ मसाले डाल देते हैं। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह से भून लेंगे मसालों को। ये देखिए, सभी मसाले भुन गए हैं। अब हमने इसमें फ्रोजन मटर डाल दिए 1/2 कप। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से भुन गई हैं। हमने यहाँ पर 2 से 3 आलू को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और हाथों से तोड़ कर लिया है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों के साथ में। 1/2 नींबू का जूस डाल दिया हमने, आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। एक मैसर से बहुत ही अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मैश कर लेंगे, जिससे कि जो भी आलू है इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रह जाएं। अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी हमारा स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। आप पहले से बनाकर इसे रख सकते हैं, आटे को भी आप पहले से लगाकर रख सकते हैं, और जब भी आपको पफ पेटीज बनानी हो तो बस आप इंस्टेंट में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मसाला हमारा तैयार है, अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब हम यहाँ पर मार्जन बना लेंगे। तो मार्जन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1/2 कप बटर लिया है। आप वनस्पति घी या फिर नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। 3 टेबल स्पून हमने इसमें मैदा डाल दिया है। दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स और फेंट लेंगे। ये देखिए, बहुत ही फ्लफी हमने इसे बना लिया है। बिल्कुल इसी तरह का तैयार करना है हमें। अब डो हमारा रेस्ट कर लिया है, तो नीट कर लेते हैं इसे और इसके छोटे छोटे लोइयाँ कट कर लेंगे हम। तो हम 4 से 5 लोइयाँ कट कर लेंगे। आपको जितना लेयर का बनाना हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है ये पफ पेटीज बनाने का, क्योंकि पफ पेटीज बहुत मेहनत से बनती है, तो आप इस तरह से इंस्टेंट बना सकते हैं। अब इस तरह से हमें छोटी साइज की चपाती हमने बनानी है, जिस तरह से हम रोटियाँ बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। बहुत पतला या बहुत थिक ना रखें, तो रोटियों जैसे हम इसे बेल लेते हैं। तो ये देखिए, हमने एक पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। इसे एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से हम 4 और बना लेंगे। ये देखिए, हमने 4 से 5 इस तरह से रोटियां बना ली हैं। अब एक के ऊपर एक सीट रखेंगे, इसमें मार्जन लगाएंगे और आटा डस्ट करके दूसरा लेयर फिर से रखेंगे। इस तरह से बहुत ही फ्लफी और बहुत ही ज़्यादा लेयर बनती है, बिल्कुल जिस तरह से खस्ता पफ पेटीज होती है बिल्कुल उसी तरह से। तो मार्जन बिल्कुल अच्छी तरह से लगाएं। आटा डस्ट कर लिया हमने, अभी दूसरा लेयर हम लगा देंगे। इस तरह से हम 4 से 5 लेयर बनाकर तैयार करेंगे। आपको जितना हैवी लेयर बनाना हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो सभी तरफ अच्छी तरह से मार्जन लगा लीजिए। मार्जन में मैंने यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल किया है, आप आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और बटर की जगह पर आप शुद्ध घी या फिर वनस्पति घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल का इस्तेमाल ना करें। तो हमने 4 लेयर लगा ली हैं, हम लास्ट 5वीं लेयर लगा रहे हैं। इस तरह से सभी लेयर में आप मार्जिन लगाते जाइए और एक के ऊपर एक लेयर हम सेट कर देंगे
आटा अच्छी तरह से डस्ट कर लिया हमने। अब ये लास्ट वाली लेयर है ये देखिए, इसके ऊपर भी हम बटर लगाएंगे और आटा डस्ट करेंगे। अच्छी तरह से हल्के हाथों से हम इसे दबाते जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है हमें। तो ये लास्ट लेयर के ऊपर भी हमने अच्छी तरह से बटर लगा लिया है, हमारा मार्जन लगा लिया है, और इसके ऊपर भी हम आटा डस्ट कर लेंगे। तो अब हल्के हाथों से हम इसे बढ़ा लेंगे। तो हाथों से हमने इसे अच्छी तरह से बड़ा कर लिया है, आटा डस्ट करके इसको अच्छी तरह से रोल कर लेंगे टाइटली, काफ़ी टाइटली हम इसे रोल कर देंगे इस तरह से। देखिए आप लेयर देख सकते हैं, इसी तरह से हमारी पेटीज में लेयर बनकर आएंगी। अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा हाथों से हम बढ़ा लेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है हमें इसमें। तो अब हम इन्हें कट कर लेंगे, तो थोड़ी बड़े बड़े पीसेस कट करें जिससे कि मार्केट वाली पेटीज बराबर ये बन जाए। तो दो दो इंच के बराबर आप इसे कट करिएगा, ये देखिए इस तरह से बड़े बड़े पीसेस हमने कट कर लिए हैं। अब इन्हें हम इस तरह से बीच से दबा देंगे, ये देखिए, तो इसमें बहुत ही अच्छे लेयर बन जाएंगे। तो ये देखिए सभी हमने बना लिए हैं, अब हम पेटीज बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए हमने आटा डस्ट कर लिया है, अब हल्के हाथों से हम इसे बड़ा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना करें। तो अब इसे बहुत ही अच्छी तरह से हम बड़ा कर लेंगे। ये देखिए काफ़ी बड़ा हमने इसे कर लिया है, इसके जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम कट कर लेंगे जिससे कि इक्वल पेटी हमें बनकर तैयार होंगी। तो इस तरह से ये देखिए कट कर लेंगे, हमें इसे स्क्वायर शेप में बना लेना है। ये देखिए सभी हमने कॉर्नर कट कर लिए हैं, बार बार फ्रीजर में रखने की झंझट ख़त्म है और बहुत ईजिली ये बनकर तैयार हो जाएंगी। अब हमने जो हमारी स्टफिंग बनाकर तैयार की थी उसे हम रख लेते हैं। आप अपनी मनपसंद स्टफिंग भी इसमें भर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब यहाँ पर हमने मैदे का घोल बनाया है, पानी में मैदे को घोल लिया है अच्छी तरीके से, और इस तरह से सील कर दें जिससे कि हम इन्हें फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी खुले ना तलते समय। आप इन्हें बेक भी कर सकते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे, 15 से 20 मिनट में ये अच्छी तरह से बेक हो जाएंगे। अच्छी तरह से हमने सभी तरफ मैदे का घोल लगा लिया है। अब इस तरह से इसे देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे किनारे से दबा देना है, और ये बहुत ही अच्छी तरह से पफ होंगे। आप बिल्कुल भी ना सोचें कि ये लेप लगाने से ये खुलेंगे नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से इसकी लेयर बाहर निकलेंगे, आप देखिएगा। और इसी तरह से हम सारे पेटीज बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इस तरह से बनाकर फ्रीजर में भी स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी फ्राई करना हो या बेक करना हो तो आप कर सकते हैं। ये देखिए सभी को हमने तैयार कर लिया है। इन्हें फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करें जिससे कि लेयर बहुत ही अच्छी तरह से खुले और ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। तो जितना आपके पैन में स्पेस हो आप उस हिसाब से रखें, और इसके ऊपर हल्का हल्का हमें स्पैचुला से ऑयल डाल देना है। और बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारी, बिल्कुल मार्केट जैसी ये पफ पेस्ट्री बनकर तैयार हो जाती हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इन्हें गोल्डन और क्रिस्प होने तक हमें फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इनकी लेयर खुलना स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। तो इन्हें पलट पलट कर गोल्डन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें हम, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से इनकी लेयर भी अच्छी तरह से नहीं खुलेंगी। तो इन्हें फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने खस्ता, कितने करारे और कितने लेयर्ड वाइज ये बनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो इन्हें निकाल लेते हैं बाहर, और इसी तरह से हम और भी फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी आलू पेटीज। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।